हाथ में अगर नहीं रुकता है पैसा तो अपना ये उपाय, घर में आएगी सुख समृद्धि। हिंदू धर्म में बहुत से ग्रंथ और महापुराण हैं और सभी का अपना विशेष महत्व है। महापुराणों में 18 महापुराण हैं, जिनमें से गरुड़ पुराण भी प्रमुख है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस घर में 13 दिनों तक उसकी आत्मा रहती है और उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण में जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया जाता है। मनुष्य खुशहाल जिंदगी जी सकता है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी आपके हाथ में कभी पैसा नहीं रुकता, तो इन उपायों से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। घर में नियमित रूप से रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। इसलिए इन पुराणों और ग्रंथों का पाठ करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी आप सुबह घर में रसोई में पहला भोजन बनाएं, तब पहला भोग भगवान को लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आपके पास कितनी भी संपत्ति हो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए और अभिमानी होकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग घमंड दिखाते हैं उनके यहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। भूखों को भोजन कराने और जरूरतमंदों की मदद करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें। इससे न सिर्फ आपकी पीढ़ी का उद्धार होगा बल्कि माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।